आजादी से पूर्व भारत अनेक रियासतों में विभाजित राष्ट्र था और यहाँ के नागरिकों में एक राष्ट्र की स्थापना के लिए जो चेतना जागृत हुई उसे ही हम राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारण थे, जैसे ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ, ब्रिटिश गवर्नर जैसे लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, लिटन की प्रेस की आज़ादी के विरुद्ध और भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध अपनाई गई नीति, किसानों और जमींदारों में उत्पन्न असंतोष, भारत में पत्रकारिता का विकास जिससे राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई, 19वीं सदी के सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को जागृत करने में अहम भूमिका निभाई, इसी प्रकार से आधुनिक शिक्षा पद्धति का विकास जिसके कारण भारतीय नागरिकों ने अनेक देशों के बारे में पढ़ा, उन्होंने रूसों को पढ़ा, अनेक विचारकों की पुस्तकें पढ़ी, उन्होंने फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, इन क्रांतियों के बारे में पढ़ा जिससे उनके अंदर भी भारत में विदेशी शासन को हटाने और अपने राष्ट्र को एक अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की जो चेतना जागृत हुई वही हम राष्ट्रवाद कहते हैं, उसी को राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से जब भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ उस समय में कुछ ऐसी संस्थाएं बनी, जैसे 1843 के अंदर जमींदारों ने मिलकर के लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई जिसमें देवेंद्रनाथ टैगोर आदि की मुख्य भूमिका थी और उन जमींदारों ने अपने हक के लिए लड़ना प्रारंभ किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की चेतना को जगाया। इसी क्रम में जो सबसे बड़ा संगठन उस समय में बना 1876 के अंदर इंडियन एसोसिएशन के नाम से बना जिसके अंदर प्रमुख राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले भारत के प्रबुद्ध वर्ग उसमें सम्मिलित हुआ और उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोगों का नेतृत्व मिला और सुरेंद्रनाथ बनर्जी बाद में इसके इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने भारत के अंदर रह रहे नागरिकों से आह्वान किया और विदेशी शासन और विदेशी नीतियों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया। इसी क्रम में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होता है। उस राष्ट्रीय आंदोलन को मूल रूप से हम तीन चरणों में विभाजित करके देखते हैं। प्रथम चरण जिसको हम उदारवादी युग के नाम से जानते हैं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और कुछ उदारवादी जिनको नरमपंथी की संज्ञा भी दी गई है, इसलिए इस आंदोलन को इस चरण को हम उदारवादी युग या नरमपंथी चरण के नाम से जानते हैं। दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाछा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे बद्रुद्दीन तैयब जी जैसे अनेक ऐसे उस समय के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग था जिन्होंने प्रारंभिक 20 वर्षों तक इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। तो ये जो तीन चरण है, जो प्रथम चरण है वो 1885 से शुरू होकर के 1905 ईस्वी तक, यानी 1885 से लेकर के 1905 तक का जो फेज है उसको हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण के नाम से जानते हैं। द्वितीय चरण जो 1905 में प्रारंभ होता है, 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी तक का समय इसमें रखा गया है और इस द्वितीय चरण को क्रांतिकारी चरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसको गरमपंथी आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस चरण में लाल बाल और पाल का नेतृत्व मुख्य रूप से मिला, लाल लाला लाजपत राय पंजाब के अंदर, बाल बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के अंदर और पाल विपिन चंद्र पाल ने बंगाल के अंदर इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इस तरीके से इनकी जो विचारधारा थी वो नरमपंथियों से बिल्कुल विपरीत थी। ये लोग हथियारों के बल पर और उग्र
आंदोलन करके अंग्रेजी सत्ता को भारत से निकालने के समर्थक थे। तृतीय चरण जिसको गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है, 1815 में जब गांधी जी विदेश से लौट करके स्वदेश आए और यहाँ आने के बाद में उन्होंने 1915 में गांधी जी भारत आए और यहाँ आने के बाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। तो गांधी जी के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन इसके अंदर चले और ये जो चरण है वो 1919 से लेकर के 1947 तक का समय इसमें रखा गया है। यानी भारत की आज़ादी तक जिस प्रकार से निरंतर एक के बाद एक अनेक अभियान, अनेक आंदोलन, अनेक ऐसे संगठन बनते गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें अहम भूमिका निभाई और इस प्रकार से इन तीन चरणों के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जाता है।